स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये क्या होता है, हेट्रोपॉलीमर होता है, डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड का बना होता है, चेन होती है। प्रोटीन आर हेट्रोपॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमाइनो एसिड, तो ये अमाइनो एसिड की एक चेन होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑलवेज राइट ए टू डायमेंशनल व्यू ऑफ द मॉलिक्यूल व्हाइल रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये मेनली दो डायमेंशन व्यू होता है मॉलिक्यूल का, जो स्ट्रक्चर व्यू रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। उसके बाद ये सेकेंडरी जो बनाता है वो दो तरह का बनाता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड चेन। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड जुड़ के उसके बाद क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनता है। तो इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी होते हैं। और जो फिजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, थ्री डायमेंशनल व्यू बताते हैं जो इसका होता है। और बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इसको चार लेवल पे डिवाइड करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं, मेनली अपन बायोलॉजी पे ध्यान देते हैं, तो बायोलॉजिस्ट क्या होते हैं, फोर लेवल बताते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टनरी। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर होएगा अमाइनो एसिड का, ये एक अमाइनो एसिड है, दूसरा अमाइनो, तो एक लीनियर स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ये सीक्वेंस पे डिपेंड करता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, दैट इज पोजिशनल इन्फॉर्मेशन इन ए प्रोटीन विच इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड विच इज सेकेंड सोन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो ये पोजिशन पर डिपेंड करता है अमाइनो एसिड की। जो प्राइमरी होता है स्ट्रक्चर वो पेप्टाइड बॉन्ड का बना होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये मेनली पेप्टाइड बॉन्ड का बना होता है। और जो डाइवर्सिटी होती है प्रोटीन की, अगर मान लो डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाए, जैसे एक अमाइनो एसिड में आर्जिनिन ट्रिप्टोफैन ग्लाइसिन है, किसी में 16 ट्रिप्टोफैन ग्लाइसिन है, तो ये सारे सीक्वेंस चेंज हो जाते हैं, तो जो प्रोटीन है वो भी चेंज हो जाता है। तो डिफरेंट जो प्रोटीन होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके सीक्वेंस डिफरेंट होते हैं अमाइनो एसिड के। एनॉर्मस डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रोटीन मॉलिक्यूल में क्यों होती है, ड्यू टू सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये जो अमाइनो एसिड डिफरेंट होते हैं उनकी वजह से ये चेंजेस होते हैं डाइवर्सिटी की। जो स्पेसिफिसिटी होती है वो भी यूनिक होते हैं, ये यूनिक होते हैं, स्पेसिफिक एक्शन होता है हर प्रोटीन का क्योंकि उनके सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। स्पेसिफिसिटी ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। स्पेसिफिसिटी किस पे डिपेंड करती है, सीक्वेंस पे। जो सेंगर था उसने फर्स्ट सीक्वेंस का जो अमाइनो एसिड प्रोटीन का बताया था वो भी बोवाइन इंसुलिन में। इंसुलिन भी क्या है, अमाइनो एसिड की बनी होती है। तो इंसुलिन में क्या होता है, जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो सबसे पहले सेंगर ने बताया था, और ये प्रोटीन है जो ग्लोबिन इंसुलिन उसमें बताया था। जो स्ट्रक्चर होता है इंसुलिन प्रोटीन का वाज फर्स्ट स्टडीड बाय सेंगर। तो जो सबसे पहले प्रोटीन, इंसुलिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर किसने बताया, सेंगर ने। तो प्रोटीन भी एक लंबी लाइन की तरह है, इसमें एक लेफ्ट साइड होगी और एक राइट साइड होगी। प्रोटीन इज इमेजिंड एज ए लाइन, द लेफ्ट एंड डिपेंडेड फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड राइट साइड डिपेंडेड लेफ्ट अमाइनो। तो लेफ्ट से शुरू होता है अमाइनो एसिड का फर्स्ट, और आखिरी तक राइट साइड तक लास्ट जाता है। जो फर्स्ट अमाइनो एसिड रहता है उसे कहते हैं एन टर्मिनल अमाइनो, मतलब इसमें जो एन ग्रुप होता है उसे कहते हैं एन टर्मिनल अमाइनो ग्रुप होता है इस तरफ लेफ्ट साइड में, और लास्ट में क्या होता है, कार्बोक्सी ग्रुप होता है, तो सी टर्मिनल कहते हैं। तो एक 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 लेफ्ट साइड में जो पहला एंड है उसे कहेंगे एन टर्मिनल, और लास्ट वाले को कहेंगे सी टर्मिनल। लास्ट अमाइनो एसिड इज कॉल्ड सी टर्मिनल अमाइनो एसिड। अब देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, अल्फा हेलिक्स होता है। हेलिक्स कितना होएगा, हेलिक्स कितना होएगा, या तो या फिर बीटा प्लेटेड शीट होगी, ऐसे शीट्स होगी। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन थ्रेड, जो प्रोटीन की लाइन होती है, डज नॉट एक्सिस्ट थ्रू आउट ए सेम एक्सटेंडेड रिजिड रोड। तो ये क्या होती है, जो एक्सटेंडेड रिजिड रोड की तरह नहीं होती, थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स सिमिलर टू रिवॉल्विंग स्टेयरकेस। तो जो रिवॉल्विंग स्टेयरकेस होती है ऐसे, उनकी तरह ये फोल्ड हो जाता है। ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन प्रोटीन थ्रेड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। तो कुछ स्ट्रक्चर हेलिक्स की तरह बन जाते हैं, उसे कहते हैं अल्फा हेलिक्स। इन प्रोटीन ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व, तो उसे कहते हैं राइट हैंडेड, मतलब अल्फा हेलिक्स। तो ये मेनली क्या होती है, राइट हैंडेड हेलिक्स होती है। अदर रीजन ऑफ प्रोटीन थ्रेड आर फोल्डेड इन टू अदर फॉर्म विच इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और जो मेनली इसमें क्या होता है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो हेलिक्स की तरह होता है। अल्फा हेलिक्स इस पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड इन राइट हैंडेड मैनर। तो मेनली अल्फा हेलिक्स याद रखना, राइट हैंडेड मैनर में कॉइल होती है। हेलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड एंड कार्बोक्सी ग्रुप ऑफ एडजेसेंट
टर्न ऑफ द हेलिक्स, जो दो टर्न कैसे स्टेबलाइज होती है, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सी ग्रुप होते हैं जो कार्बन में अटैच होते हैं अमाइनो एसिड में, वो स्टेबलाइज करते हैं किसको, जो उनकी ये जो टर्न होते हैं, ये टर्न कैसे होते हैं, ये मेनली अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सी ग्रुप, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे अमाइनो ग्रुप में, तो ये हेलिक्स जो स्टेबलाइज हो जाएगा, तो इसका टर्न है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसको मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज हो जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज मेंटेन्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो बीटा प्लेटेड शीट होती है वो क्या होती है, अल्फा पॉलीपेप्टाइड स्ट्रेच्ड आउट एंड लेड साइड बाय साइड, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो शीट्स होती है इनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इंटरमोलिकुलर, तो इंटरमोलिकुलर से क्या बन जाएगी, बीटा प्लेटेड शीट बन जाएगी। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उससे क्या बनती है, बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट टू पॉलीपेप्टाइड चेन आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन, तो दो पॉलीपेप्टाइड चेन में अगर बॉन्ड बनता है तो बीटा प्लेटेड, एक ही मॉलिक्यूल एक ही चेन के अंदर अगर बॉन्ड बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड तो उसमें क्या बनता है, अल्फा हेलिक्स। तो दो अगर चेन अलग अलग है उनमें अगर बनता है बॉन्ड तो क्या बनता है, बीटा प्लेटेड का, बीटा प्लेटेड शीट। 1954 में जो रामाचंद्रन पब्लिश ने किया था ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन, तो जो जो कोलेजन होता है, कोलेजन होता है तीन हेलिकल स्ट्रक्चर का, कोलेजन होता है तीन हेलिकल स्ट्रक्चर का, मतलब कि एक अल्फा हेलिक्स होगी फिर दूसरी अल्फा हेलिक्स, तीन तो तीन हेलिकल स्ट्रक्चर होंगे तो वो क्या बनेंगे, कोलेजन बनाते हैं। रामाचंद्रन डिस्कवर्ड द कोलेजन है थ्री पॉलीपेप्टाइड दैट आर कॉइल्ड अराउंड वन अनदर, तो इसमें तीन पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। अब बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर की, टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सेकेंडरी के बाद, इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज आल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक ए होलो वोवन, मतलब एक गुच्छे की तरह बन जाएगी, मतलब कि ऐसे ऐसे गुच्छा बना देगी, तो इस गुच्छे को क्या कहेंगे अपन, टर्शियरी स्ट्रक्चर, गिव राइट टू टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे। इससे क्या होगा, 3D व्यू बन जाएगा प्रोटीन का, जो ये जो बॉल बना देगी गुच्छे वाली, इसमें क्या 3D व्यू टर्शियरी स्ट्रक्चर में कैसा होगा, 3D व्यू होएगा और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड इन्वॉल्व होएगा। और जो 3D स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन, तो मेनली जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जब एक्टिविटी शो करता है प्रोटीन उसके लिए टर्शियरी स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी होता है, तो 3D व्यू जरूरी होता है जब वो एक्टिविटी कोई प्रोटीन शो करेगा, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर मेनली एक्टिविटी के कारण बनता है। अब देखते हैं जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं स्क्लेरो प्रोटीन वो क्या होते हैं, इन दिस प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड, तो फाइब्रस प्रोटीन में भी क्या आएगा, दो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होगी। एग्जाम्पल क्या है, जो ये मेनली वाटर इंसोल्यूबल होते हैं, जो इसके एग्जाम्पल होते हैं कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, तो फाइब्रस प्रोटीन के। इलास्टिन ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू में होएगा। कोलेजन क्या होगा, टेंडन में और लिगामेंट में होएगा। केराटिन क्या होगा, हेयर में, स्किन में, वूल में, सिल्क में होएगा। मायोसिन होएगा, मसल में होएगा। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फाइब्रस प्रोटीन होते हैं। मायोसिन प्रोटीन का होगा बहुत स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी बात होती है मेनली फाइब्रस स्ट्रक्चरल होते हैं पर जो मायोसिन होता है वो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी भी रखता है। केराटिन में याद रखना बहुत ज़्यादा सल्फर होएगा, केराटिन कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर, तो खास बात केराटिन में क्या होगी, इसमें सल्फर होगा। और मायोसिन में क्या होगा, स्ट्रक्चरल भी होएगा मेनली फाइब्रस की तरह, और फिर क्या होगा, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी भी होगी। अब बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की, जो टर्शियरी में फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन, दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव ए स्फेरिकल शेप, तो अगर स्फेरिकल बन जाए तो वो ग्लोबुलर बन जाता है। ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबुलर क्या होते हैं, ये होते हैं वाटर सोल्यूबल। और इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, स्टोन, ग्लूटिलिन। तो एग्जाम्पल ग्लोबुलिन के होते हैं, इंसुलिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया, तो ये सारे ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। जो ग्लोबुलिन और ग्लूटिलिन होते हैं वो क्या स्टोरेज प्रोटीन होते हैं, स्टोर हो जाते हैं ग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन जो एंटीबॉडी होती है उसे अपन क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, इसमें ग्लोबुलिन पार्ट होता है। और जो एल्ब्यूमिन होता है वो क्या होता है, एग वाइट में होता है। एल्ब्यूमिन क्या होता है, एग वाइट में होता है। अब बात करते हैं क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की, जो आखिरी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। अगर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन इसके लिए रिक्वायर होती है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर के लिए। सम प्रोटीन आर असेंबल फॉर मोर ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड और सब यूनिट, तो ये कई सारी सब यूनिट का बना होता है।
the manner in which individual folded polypeptide subunit with respect to each other. तो इसमें क्या होता है, ये जो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड होती है उनको सब यूनिट कहते हैं, और ये कैसे फोल्डेड है उस पर डिपेंड करता है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर. जैसे लीनियर स्ट्रिंग ऑफ स्फीयर एंड स्फीयर अरेंज वन ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब और प्लेट इज दिस आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन अदरवाइज कॉल्ड द क्वार्टनरी स्ट्रक्चर. तो ये मेनली जैसे अलग अलग पॉलीपेप्टाइड वो क्या बना रहे हैं स्ट्रक्चर प्लेट का क्यूब का, उस पर डिपेंड करता है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर. जैसे कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन किसका बना होता है, ये चार यूनिट का बना होता है. एडल्ट हीमोग्लोबिन क्या होता है, चार सब यूनिट का बना होता है. टू ऑफ दिस आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड टू सब यूनिट ऑफ ए टाइप और टू यूनिट ऑफ बी टाइप. तो एक तो होती है अल्फा टाइप की, दो सब यूनिट, दो अल्फा होती है दो बीटा होती है. टू सब यूनिट ऑफ ए अल्फा टाइप एंड टू सब यूनिट ऑफ ए बीटा टाइप कॉन्स्टिट्यूट ह्यूमन हीमोग्लोबिन. तो ये चार यूनिट का बनाता है, दो अल्फा और दो बीटा. अब पढ़ते हैं डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का टूटना. तो प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे अपनी लिविंग बॉडी में विद यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर. तो ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होता है मेनली, और ये डी नेचर कब होता है, ये मान लो टेम्परेचर चेंज हो जाए, हाई टेम्परेचर में प्रोटीन को रख दें तो वो डी नेचर हो जाता है. या इवन एग भी अपन बॉइल करते हैं वो क्यों होता है, उसका जो प्रोटीन होता है वो डी नेचर हो जाता है. वैन प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन पीएच द हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्रप्टेड. तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते थे जो प्रोटीन में वो डिस्रप्ट हो जाते हैं पीएच और टेम्परेचर चेंज करने से. और ड्यू टू दिस हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड. तो जिससे जो हेलिक्स होती है वो अनकॉइल होते हैं, प्रोटीन जो होता है वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है, उसे कहते हैं डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. तो मेनली जो प्रोटीन को अपन हाई टेम्परेचर पर या उसकी जो अलग टेम्परेचर या पीएच पर रख देते हैं तो प्रोटीन का जो मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएगा, जिसके कारण जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो अनकॉइल हो जाएगा और क्या होगा, डी नेचर हो जाएगा, और उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो क्या होगी, लॉस हो जाएगी. वाइट एग ऑन बॉइलिंग, जैसे बॉइल करते हैं अपन टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तब भी क्या होता है, जो ये बॉइल एग क्यों होता है, ये मेनली डी नेचुरेशन प्रोटीन से होता है. अब देखते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कार ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क. तो ये कर्डलिंग क्यों होती है, ये भी इस वजह से होती है, लैक्टिक एसिड जो होता है वो पीएच चेंज कर देता है, और बैक्टीरिया जो होते हैं मिल्क में वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिससे पीएच चेंज हो जाता है और उसकी कर्ड बन जाती है, जो दूध की दही बन जाती है वो किस वजह से बनती है, बैक्टीरिया के लैक्टिक एसिड जिससे पीएच चेंज हो जाती है. अब देखते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन, सम प्रोटीन हैव नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप. कुछ प्रोटीन में क्या होता है, एक और ग्रुप होता है फॉर देयर एक्टिविटी, उसे कहते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन. तो एक्टिविटी के लिए एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर होता है उसके साथ वो अटैच हो जाए तो उसे कहते हैं प्रोस्थेटिक, उसे कहते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच हो जाए तो उसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, जैसे लिपिड के साथ अटैच हो जाए लाइपोप्रोटीन. तो ऐसे अलग कंजुगेटेड होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कंटेन कार्बोहाइड्रेट. लाइपोप्रोटीन में क्या होगा, लिपिड होएगा, लाइपोप्रोटीन कंटेन लिपिड. न्यूक्लियोप्रोटीन में क्या होगा, डीएनए आरएनए. न्यूक्लियोप्रोटीन लाइक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कंटेन आरएनए फाउंड इन राइबोसोम. फॉस्फोप्रोटीन में होगा फॉस्फेट ग्रुप, जैसे कैसीन. तो कैसीन में एग्जाम्पल है फॉस्फोप्रोटीन का. कैसीन में किस में होता है, मिल्क प्रोटीन होता है. कैसीन क्या होता है, मिल्क प्रोटीन होता है. कैसीन इज ए मिल्क प्रोटीन, तो इम्पोर्टेंट है कि कैसीन इज ए मिल्क प्रोटीन. क्रोमोप्रोटीन क्या होता है, जिसमें पिगमेंट हो जाएगा साथ में अटैच, जैसे कि हीमोग्लोबिन कंटेन आयरन और हीम. तो ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, क्रोमोप्रोटीन. फ्लेवोप्रोटीन में FADFMN होएगा, ये भी क्रोमोप्रोटीन है. साइटोक्रोम भी क्रोमोप्रोटीन है, इसमें आयरन होएगा, जिसमें भी कोई एटम होएगा ना इनऑर्गेनिक क्रोमोप्रोटीन बनाएगा. हीमोसाइनिन में कॉपर होएगा. रोडोप्सिन होता है, आई में होता है, पिगमेंट होता है वो इसमें, उसमें विटामिन ए होएगा. तो आई में है क्रोमोप्रोटीन, उसमें विटामिन ए होएगा. अब देखते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन, फंक्शन ऑफ प्रोटीन. तो कई सारे फंक्शन होते हैं प्रोटीन के, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन बनाएगा तो उसमें क्या एंटीबॉडी बनाएगा तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट होएगा. कुछ प्रोटीन होते हैं कैरियर प्रोटीन का काम करते हैं, वो सेल मेम्ब्रेन से लेके जाते हैं ये मॉलिक्यूल को इधर से उधर. तो फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन कैरी आउट मैनी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, तो कैरियर प्रोटीन का काम करते हैं. सम फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, जैसे इम्यूनोग्लोबिन बना लेते हैं. सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आर एक्टिन एंड मायोसिन. तो स्पेसिफिक जैसे एक्टिन मायोसिन होता है वो कॉन्ट्रेक्शन काम करते हैं मसल की.
ELISA टेस्ट होता है वो स्पेसिफिक प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, जैसे कि एंटीबॉडी एंटीजन को आइडेंटिफाई करने में ELISA टेस्ट होता है, तो वो प्रोटीन का बना होता है एंटीबॉडी। क्लेमेडुलिन जो होता है वो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होता है, क्लेमेडुलिन होता है, ये भी मसल में होता है, स्मूथ मसल में होता है, और ये मेनली कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन कंपाउंड, जैसे ग्वानिन में सबसे कम नाइट्रोजन होगा, उसके बाद यूरिक एसिड में कम होगा, यूरिया में उससे कम होगा, और अमाइनो में सबसे कम होएगा। तो अमाइनो एसिड नाइट्रोजन एटम सबसे ज़्यादा ग्वानिन में होता है और अमोनिया में सबसे कम होता है। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड, तो कोलेजन सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है जो एनिमल में पाया जाता है। और जो रूबिस्को होता है, राइबुलस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर, तो रूबिस्को जो होता है एंजाइम, वो भी प्रोटीन का बना होता है, वो सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट होता है बायोस्फीयर में। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। इंसुलिन भी क्या होता है, प्रोटीन होता है, वो 51 अमाइनो एसिड से बना होता है, इसमें टू चेन होती है ए और बी, ए चेन होती है 21 अमाइनो एसिड होते हैं, और जो बी चेन होती है उसमें 30 अमाइनो एसिड होते हैं। तो जो अमाइनो एसिड में अल्फा चेन और बी ए चेन और बी चेन होती है, तो ए चेन जो होती है इंसुलिन की वो कितनी अमाइनो एसिड होगी, 21 की, और जो बी चेन होगी वो होगी 30 अमाइनो एसिड की। एक जो एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करती है एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक कार्बन ACTH होते हैं, वो भी क्या है, प्रोटीन होता है, 39 अमाइनो एसिड का बना होता है। तो मेनली इंसुलिन का याद रखना, 21 और 30 दो अमाइनो एसिड दो चेन होती है 21 और 30 की। रिचेस्ट सोर्स होता है प्रोटीन का, वो होता है सोयाबीन, तो सोयाबीन खाने से ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। नेचर ऑफ बॉन्ड बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इज ए इन्हें बोले, तो इसमें क्या जो मोनोमर होते हैं, जो पॉलीमर बनाते हैं, उसमें कौन सी लिंकेज होती है। जॉइनिंग ऑफ रिपीटेड यूनिट टू फॉर्म माइक्रो मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, तो जो मोनोमर एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, वो क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, उसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है, जो पॉलीमर कैसे बनते हैं, ग्रुप ऑफ द नेक्स्ट अमाइनो एसिड विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मोइटी, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस और कंडेंसेशन। अगर मान लो एक वाटर मोइटी निकल जाती है, उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन बॉन्ड बनाने के टाइम, और उसमें क्या होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं उसे। जैसे पॉलीसेक्राइड में क्या होता है, इंडिविजुअल जो मोनोसेक्राइड होते हैं लिंक बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो जो मोनोसेक्राइड आपस में अटैच होते हैं वो होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, दिस फॉर्म्ड इज फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेशन, तो ये जो बॉन्ड बनता है इसमें वाटर निकल जाता है, इसलिए अपन कहते हैं डिहाइड्रेशन, और ये क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू कार्बन ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसेक्राइड, तो ये मेनली जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो आपस में जो एडजेसेंट मोनोसेक्राइड होते हैं वो आपस में बनाते हैं। जो मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग क्या होता है, मेटाबॉलिक पाथवे कैन लीड टू मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम ए सिंपलर स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड बिकम कोलेस्ट्रॉल और लीड टू सिंपलर स्ट्रक्चर फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल भी बन सकता है, तो ये मेटाबॉलिज्म का पार्ट होता है कि कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा सिंपल में और सिंपल कॉम्प्लेक्स बना देगा, तो ये मेटाबॉलिज्म चलती रहती है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज बिकम लैक्टिक एसिड इन आवर स्केलेटल मसल, तो ये स्केलेटल मसल में क्या आएगा, जब मान लो अपन खूब सारा एक्सरसाइज करेंगे तो मसल ग्लूकोज क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड बना देगा। द फॉर्मर केसेस, जैसे मान लो सिंपल से कंपाउंड बने तो कहेंगे बायोसिंथेटिक पाथवे, इसमें सिंथेसिस हो रही है, और एनाबॉलिक पाथवे, एनाबॉलिक मतलब कुछ बनना, जैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना। जो लेटर होता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स से जो टूटता है उसे कहते हैं डिग्रेडेशन, उसे कहते हैं कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम करता है, मतलब कि कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनने में एनर्जी चाहिए होती है, मान लो ग्लाइकोलिसिस है, टूट रहा है ग्लूकोज सिंपल स्ट्रक्चर में, तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी, तो कैटाबॉलिक में रिलीज होती है। असेंबली ऑफ प्रोटीन फॉर अमाइनो एसिड रिक्वायर एनर्जी, तो अमाइनो एसिड प्रोटीन बन रहा है उसमें क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर होगी। ऑन द अदर एंड कैटाबॉलिक पाथवे लीड टू रिलीज ऑफ एनर्जी, अगर कैटाबॉलिक पाथवे है तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी, जैसे ही ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में टूट जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, वैन ग्लूकोज इज डिग्रेडेड टू लैक्टिक एसिड ऑन आवर स्केलेटल मसल एनर्जी इज लिबरेटेड। और ये मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड से बनता है, जो कई सारे प्रोसेस से गुजर के निकलते हैं, 10 प्रोसेस होते हैं, इसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। और जो ये ग्लूकोज होता है मेटाबॉलिक पाथवे होता है फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड अकरिंग 10 मेटाबॉलिक स्टेप इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। तो जो पाथवे होता है ये क्या होता है, कैटाबॉलिक होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज स्पेंट टू ट्रैप दिस एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग डिग्रेडेशन, तो ये जो कैटाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है उसमें लिविंग बॉडी ट्रैप कर लेती है एनर्जी, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड, जो ATP बना लेती है,
तो ये केमिकल बॉन्ड में स्टोर हो जाती है। एनर्जी मेड अवेलेबल इन कैटाबॉलिक रिएक्शन इज इमीडिएटली स्टोर्ड इन एटीपी। तो ये स्टोर किस वे में होती है, एटीपी बना लेती है एनर्जी, जो बाद में अपन एटीपी यूज कर सकते हैं। एज एंड व्हेन नीडेड दिस बॉन्ड एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर बायोसिंथेटिक ऑस्मोटिक और मैकेनिकल वर्क दैट वी परफॉर्म। तो बाद में मान लो कोई एनर्जी चाहिए तो एटीपी वहां चला जाएगा और वो वर्क कर देगा, जैसे कि बायोसिंथेटिक एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया या ऑस्मोटिक प्रोसेस या मैकेनिकल वर्क हो गया, किसी में भी काम आ सकती है। तो एनर्जी करेंसी जो एटीपी होती है उसे कहते हैं एनर्जी करेंसी, और वो कहाँ पे एनर्जी होती है, उसके बॉन्ड में होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इन लिविंग सिस्टम इज अ बॉन्ड एनर्जी इन ए केमिकल कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो मेनली बॉन्ड एनर्जी केमिकल में होती है, वो कहाँ होती है, बॉन्ड में होती है, उसे कहते हैं एनर्जी करेंसी एटीपी। जो एटीपी और जीटीपी होते हैं उसमें दो हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं, एटीपी जीटीपी कंटेन टू हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। इन एटीपी हाई एनर्जी बॉन्ड अक्कर बिटवीन फॉस्फेट एंड फॉस्फेट। तो फॉस्फेट और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। देर आर टू फॉस्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन एटीपी मॉलिक्यूल दैट बाइंड एडजेसेंट फॉस्फेट। तो इसमें जो फॉस्फेट और फॉस्फेट बॉन्ड होता है वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, और जो एडजेसेंट फॉस्फेट भी होता है। एटीपी एंड क्रिएटिनिन फॉस्फेट है वन हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड। जो एटीपी होता है और क्रिएटिनिन होता है उसमें एक एटीपी में दो होंगे, एटीपी से अगर एक तोड़ देंगे तो एडीपी बन जाएगा। तो जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट और एडीपी में क्या होता है, एक हाई एनर्जी फॉस्फेट होता है। एएमपी में क्या होता है, एटीपी में दोनों हाई एनर्जी टूट गए तो एएमपी बन जाएगा, उसमें कोई भी हाई एनर्जी बचेगा नहीं। तो डू नॉट हैव हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, एएमपी में एक भी नहीं होता। तो एडीपी में एक होएगा, एटीपी में दो होएगा, एएमपी में एक भी नहीं होएगा। एटीपी को क्या कहते हैं अपन, एडिनिन डी राइबो ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या होता है, एडिनिन होएगा इसमें, राइबो शुगर होगी और ट्राइफॉस्फेट का बनाएगा। तो एएमपी एडीपी एटीपी सारे क्या न्यूक्लियोटाइड ही होते, क्योंकि ये भी सारे न्यूक्लियोटाइड ही होते हैं और ये एडिनिन और ट्राइफॉस्फेट के बने होते हैं।